हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम स्वीटर चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ सैनिटरी नैपकिन्स के बारे में। ये स्टेफी सिक्योर, ये बहुत ही अच्छा एक पैड है, आप देख सकते हैं। ये स्टेफ्री सिक्योर पैड बहुत ही अच्छा पैड है। इसका एक्स्ट्रा लॉन्ग जो प्रोटेक्शन होता है, यह आपको बहुत हैवी ब्लड फ्लो से बचा के रखता है। दोस्तों, ये बहुत ही कम प्राइस में मिल जाते हैं और मैं आज रिव्यू करने वाली हूँ, कहीं पर भी सुन के नहीं। इस पैकेट में जो जो भी लिखा हुआ है, जो मैंने खुद अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, दोस्तों मैं उन्हीं को आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिए और इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड पास में जो बेल वाला आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। ये स्टेफ्री सिक्योर एक्स्ट्रा लार्ज पैड विंग्स के साथ आते हैं। इस पैकेट में आपको 20 यूनिट्स मिल जाते हैं। दो इस पैड को आप रेगुलर एंड नाइट टाइम में इजीली यूज कर सकते हैं। दोस्तों, इसका लेंथ है 274 mm। दोस्तों, ये बहुत ही लंबा होता है। अगर आपको बहुत हैवी फ्लो होते हैं तो आप इजीली इस पैड को चूज कर सकते हैं। दोस्तों, आप एक बार इसको यूज करेंगे ना तो ही आप समझेंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये पैड मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, इसीलिए मैंने दो और पैड्स परचेस कर लिया है पहले से। मेरे पास ये ओल्ड वाला पैकेट है, मैं इसी में से रिव्यू करके दिखाऊंगी आपको निकाल करके, ठीक है। मैं थोड़ी सी कंजूसी कर रही हूँ। ये जो पैकेट है इसको मैंने सेलो टेप के साथ सिक्योर कर लिया है। दोस्तों, हम लोगों को पैड यूज़ करने के बाद उसके पैकेट को खुला नहीं रखना चाहिए। पैकेट के अंदर कोई भी पोल्यूशन, धूल या फिर कोई भी कीड़े मकोड़े ना पहुँचे, इसीलिए मैंने ये किया है। इसमें शायद 3 या 4 यूनिट्स बच गए होंगे, तो इसमें से ही मैं एक रिव्यू करके दिखा देती हूँ। ये मैं 6 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। दोस्तों, ये पैड मुझे कभी भी निराश नहीं किया है। ये बहुत ही अच्छा एक पैड है। रात को अगर आपको लीकेज की बहुत प्रॉब्लम होती है तो आप इस पैड को इजीली यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आप कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, आप टीनेजर हैं, कोई भी एज का है, आप इस पैड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा। ये एक्स्ट्रा लॉन्ग है तो आपको लीकेज का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देगा। पहले बात करते हैं हम लोग इस पैड की, जो पीछे का ग्लू वाला पोर्शन है, ये इसको आपको पहले हटा देना होता है। उसके बाद ही आपको पैंटी के ऊपर लगाना होता है। उसके बाद अब विंग्स के ऊपर जो ग्लू लगा हुआ होता है उसको निकालिए। उसके बाद आप नीचे की तरफ से उठाइए तो आपका जो पैड है वो अच्छी तरह से लग जाएगा। दोस्तों, इस पर विंग्स इसीलिए है, विंग्स का काम ही होता है कि उस पैड को पैंटी के साथ आपको अच्छी तरह से लगा के रखे कि पैड इधर उधर ना हो जाए। और इसका जो डिज़ाइन है दोस्तों, ये डिज़ाइन आपके ब्लड फ्लो को सो करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। वैसे ये एक्सेल साइज पैड है तो आप समझ ही गए होंगे। एंड इसका सुपर एब्जॉर्ब डिज़ाइन जो है, ये एक जगह पर ही सो करके रखता है ब्लड। पैंटी में, आपके ड्रेस में कभी भी नहीं लगेगा। दोस्तों, ये मैं खुद अपनी एक्सपीरियंस से बता देती हूँ और आप समझ रहे हैं कि ये स्पॉन्सर वीडियो है। नहीं, ये स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। और ये दावा करता है ये पैड कि 12 घंटे तक आपको लीकेज से रोक के रखता है। वैसे तो 4 या 6 घंटे में ही आपको एक पैड लगा करके रिमूव कर देना चाहिए। पीरियड्स के दौरान आप कभी भी कपड़ों का इस्तेमाल मत कीजिए दोस्तों, इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। और वैसे ये पैड तो कॉटन का बना हुआ होता है तो आपको इरिटेशन भी नहीं होगा। कई सारे ब्रांड्स के पैड होते हैं जिसको यूज़ करने के बाद इरिटेशन हो जाते हैं। पैड यूज़ करने के बाद आप उस पैड को इधर उधर ना फेंके और इस पैड को आप फ्लश भी मत कीजिए टॉयलेट में। आप उस पैड को पेपर के साथ रैप करके डस्टबिन में डाल दें। और इस वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पर मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं हर एक का आंसर कर दूँगी। और कोई अगर टीनेजर इस वीडियो को देख रहा है तो अभी जाकर अपनी मम्मी को बोलिए ये पैड आपको ला के देगा। दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अच्छे रहें, खुश रहें।